हेलो फ्रेंड्स, मैं पपाई पपाई एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स एक एम्पलीफायर है जो कि मैं पार्ट टू वीडियो में बना दिया था। और पार्ट टू वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, काफ़ी सारा नॉलेज आएगा आपको। और फ्रेंड्स, पार्ट टू वीडियो में मैं बता दिया था जो पार्ट थ्री वीडियो होगा, वो पार्ट थ्री वीडियो में मैं व्यू मीटर लगा के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैं आपको व्यू मीटर बना के दिखाऊंगा और इसको लगा के टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया है, जाकर देख लेना। सो फ्रेंड्स, व्यू मीटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर एलईडी लेंगे। मैं 5 एलईडी लिया हूँ, आप जितने चाहे एलईडी यूज़ कर सकते हो, सभी कनेक्शन एक होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 ब्लू, 2 येलो और 1 रेड एलईडी यूज़ कर रहा हूँ। आप जिस कलर का पसंद हो उस कलर का भी यूज़ कर सकते हो और सभी एक कलर का भी एलईडी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो एल टाइप जो पिन देख रहे हैं, वो पिन है नेगेटिव पिन। एलईडी का जो नेगेटिव पिन है उसको मैं एल टाइप इस तरह से बैंड कर लिया हूँ और जो पॉजिटिव पिन है उसको मैं सीधा रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं जो नेगेटिव पिन है, हर एक नेगेटिव पिन को पैरेलली मैं कनेक्ट कर दूँगा इस तरीके से। पहले मैं 2 ब्लू, 2 येलो और 1 ऊपर में एलईडी जो है होगा वो है रेड। रेड एलईडी को मैं इस तरह से मैं सोल्डरिंग कर लूँगा एक के साथ एक। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए, मैं यहाँ पर हर एक वो नेगेटिव पिन को मैं पैरेलली कनेक्ट कर दिया हूँ। एलईडी का जो नेगेटिव पिन है उसको मैं पैरेलली कनेक्ट कर दिया हूँ। आप फ्रेंड्स, एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है, वो पॉजिटिव पिन में मैं यहाँ पर 430 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, हाफ वाट का। तो फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस है 430 ओम का, ये रेजिस्टेंस को हर एक एलईडी का पॉजिटिव पिन ने एक एक में पैरेलली कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं इसको सोल्डरिंग कर दूंगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं इसको सोल्डरिंग कर दिया हूँ। हर एक के एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है, उस पॉजिटिव पिन के साथ एक एक रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर पैरेलली कनेक्ट कर दिया हूँ। आप फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे कुछ जेना डायोड, इसका वैल्यू है 4148 का। तो ये जेना डायोड आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा आपको आसानी से। सो फ्रेंड्स, आप ये चारों जेना डायोड को एक साथ सीरीज़ में कनेक्शन करके ये सारे सीरीज़ में एक एक रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग करेंगे। तो आप जानते होंगे जो जिन डायोड होता है उसको एक साथ सीरीज़ में कैसे करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रख के हर एक जेना डायोड को सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किस तरह से सोल्डरिंग करके मतलब सीरीज़ में कनेक्शन कर दिया हूँ। आप जितने एलईडी बढ़ाओगे उतने मुताबिक रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा और जो जेना डायोड है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एक ही तरीके से कनेक्शन करना होगा आप एलईडी बढ़ाओगे तो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किस तरह से सोल्डरिंग कर लिया हूँ। ध्यान से देखिए, कोई सर्किट डायग्राम का ज़रूरत नहीं है। तब भी आप नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट में बोलो, मैं डायग्राम दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लेंगे 2 कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, आप 25 वोल्ट लेना, 12 वोल्ट ले सकते हो लेकिन थोड़ी देर बाद ख़राब हो सकता है, इसलिए आप 25 वोल्ट ही लेना। आप फ्रेंड्स इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे एक साथ। तो फ्रेंड्स, एक कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट लेंगे, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट लेंगे, दोनों को एक साथ कनेक्शन करेंगे तभी ये सीरीज़ में हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं किस तरह से कर रहा हूँ। देखिए, ये एक पॉजिटिव ले लिया है और एक जो कैपेसिटर है उसका नेगेटिव पॉइंट ले लिया है, दोनों को आपस में इस तरह से सोल्डरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किस तरह सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो ये हो गया सीरीज़ में कनेक्शन। और फ्रेंड्स, ये हो गया इसका पॉजिटिव पिन और ये है नेगेटिव पिन कैपेसिटर का। तो फ्रेंड्स, अब इन कैपेसिटर को ये सर्किट जो बनाया था एलईडी का, उस सर्किट में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव पिन है, वो नेगेटिव पिन एलईडी का जो नेगेटिव पिन है उसमें कनेक्शन करेंगे और एक कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन है उसको एक जेना डायोड का और रेजिस्टेंस में जो लगाया था उसमें कनेक्शन करेंगे। कुछ इस तरीके से इसको लगाए देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किस तरह से इसको लगा दिया हूँ। अब फ्रेंड्स, इसको जो प्लस माइनस है उसको अब ध्यान रखना होगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका प्लस माइनस तो लगा दिया है। अब यहाँ पर लेंगे 2 डायोड जिसका वैल्यू है 4001।
तो फ्रेंड्स आप दोनों जो डायोड है उसको सीरीज में कनेक्शन करोगे। आई होप आपको सीरीज में कनेक्शन करना आता है, नहीं आता तो देख लीजिए मैं किस तरह से सीरीज में कनेक्शन किया हूँ। अब फ्रेंड्स ये डायोड का जो पॉजिटिव पिन है वो जाएगा कैपेसिटर पॉजिटिव पिन पर, और डायोड का जो नेगेटिव पिन है वो जाएगा एलईडी और जो कैपेसिटर है उसका नेगेटिव पिन पर। कुछ इस तरीके से इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसको सोल्डरिंग कर दिया है, जो डायोड है उसको लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर दो वायर ले लिया हूँ, एक रेड है ब्लैक, रेड जो पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लैक वायर है उसको लगाएंगे डायोड में, जो डायोड का जो आपस में सीरीज कनेक्शन किया था उसमें लगाएंगे, और रेड वायर को लगाएंगे कैपेसिटर का जो सीरीज किया है उसमें। तो फ्रेंड्स देखिए मैं किस तरह से इसको कनेक्शन कर दिया हूँ सीरीज में। अब इसको वायर भी लगा दिया है, देखिए सोल्डरिंग कर दिया है। अब फ्रेंड्स इन दोनों को अच्छी तरीके से वायर जो है उसको अच्छी तरह से ब्लैक टेप से लगा देंगे कि बार बार खुले नहीं। सो फ्रेंड्स ये जो दोनों वायर है वो आप एक ही कलर के ले सकते हो, लगा सकते हो आपको मर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हीट पाइप का यूज़ किया हूँ दोनों जो वायर है उसको अच्छी तरह से लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एक, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और एक ले लिया हूँ व्यू मीटर। तो फ्रेंड्स ये डबल चैनल का है इसलिए मैं यहाँ पर दो ले लिया हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका जो कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस, डायोड है सब कुछ एक है। यहाँ पर मैं पांच एलईडी यूज़ किया है, तो ये दोनों ब्लू, दोनों येलो और एक रेड, तो सब कुछ कनेक्शन एक है, सब कंपोनेंट्स भी एक है। तो यहाँ पर मैं दोनों ले लिया हूँ देखिए। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों को जो एम्पलीफायर उसमें लगाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, और चैनल को है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एम्पलीफायर बॉक्स ले लिया हूँ, और जो दोनों व्यू मीटर है उसको भी मैं ले लिया हूँ। अब इन दोनों व्यू मीटर को एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। सो फ्रेंड्स इसका पहले ढक्कन खोल लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसका जो पार्ट टू वीडियो है प्लीज़ जाके देख लीजिए, काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन एलईडी को लगाने के लिए मैं यहाँ पर होल्ड करके यहाँ पर एलईडी को लगाऊंगा। एक यहाँ पर व्यू मीटर लगाएंगे और एक यहाँ पर ये जो व्यू मीटर है उसको लगा देंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए मैं किस तरह से इस व्यू मीटर को लगा दिया हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं व्यू मीटर को लगाना दिखाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो को कट कर दिया हूँ। और फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर कैपेसिटर को थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ के लगा दिया हूँ, आपको एडजस्ट करके लगाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ग्लू से लगाया हूँ, अच्छी तरह से चिपक दिया हूँ दोनों व्यू मीटर को। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसको लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो एलईडी है व्यू मीटर का एलईडी है उसमें थोड़ा और भी मैं ग्लू दे दिया हूँ, जैसे कि ये एलईडी जब भी जलेगा तो ये अंधेरे में देखने में और भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर और थोड़ा ग्लू दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स कनेक्शन पर आता है। तो फ्रेंड्स ये व्यू मीटर स्पीकर का काम करेगा और ये व्यू मीटर स्पीकर का काम करेगा, मतलब ये व्यू मीटर ये जब स्पीकर में लगेगा उसमें, और ये व्यू मीटर स्पीकर में कनेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स अब कनेक्शन पर करते हैं। ये व्यू मीटर आप यहाँ पर भी लगा सकते हो और एम्पलीफायर में भी लगा सकते हो यहाँ पर, और ये व्यू मीटर भी सेम इसमें भी लगा सकते हो और एम्पलीफायर में भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप एम्पलीफायर में लगाएं, बाहर लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर एम्पलीफायर में भी लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप ग्राउंड मतलब नेगेटिव कनेक्शन पर आते हैं, कि नेगेटिव आप कहीं पर भी दे सकते हो, मैं यहाँ पर पीसेट में दूंगा, और आप इसमें पीसेट में भी दे सकते हो या एम्पलीफायर जो नेगेटिव होता है उसमें भी दे सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं कनेक्शन कर दिया हूँ नेगेटिव जो है उसमें कनेक्शन कर दिया हूँ दोनों पीसेट में। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं एम्पलीफायर जो आउटपुट निकलता है स्पीकर के लिए वहाँ पर मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। आप स्पीकर कनेक्टर में भी लगा सकते हो, या जो स्पीकर होता है स्पीकर का पिन उसमें भी डायरेक्ट आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो व्यू मीटर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्पीकर में नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एम्पलीफायर का जो स्पीकर आउटपुट निकलता है उसमें भी लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस कनेक्शन को कंप्लीट हो गया है, देखिए नेगेटिव को मैं दोनों प्रीसेट में लगा दिया हूँ। अब फ्रेंड्स इसका कनेक्शन तो पूरी तरीके से कंप्लीट, अब इसका ढक्कन लगा के आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका ढक्कन लगा देता है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 12 वोल्ट में चलता है ये सर्किट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 12 वोल्ट सप्लाई दे दूँगा और दोनों स्पीकर लगा लूँगा, दोनों चैनल के लिए दोनों स्पीकर लगा दूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट और यहाँ पर स्पीकर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे दिया हूँ और दोनों चैनल के लिए दोनों स्पीकर लगा दिया हूँ यहाँ पर देखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे दिया हूँ, तो देखिए ये जो व्यू मीटर है वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, वॉल्यूम नहीं बढ़ाओ तो ये व्यू मीटर काम नहीं करेगा, मतलब इसमें आउटपुट तो लेना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक आपको सॉन्ग चला कर दिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स ले लिया है मैं फ़ोन, और फ़ोन को एक गाना चला कर दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आप देखिए टेस्टिंग है इसका। Thank you.